फ्रेंड्स, यहाँ पे आज बताने वाला हूँ वीवो V27 या फिर वीवो V27 Pro में आप यहाँ पे गेम सेटिंग कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे गेम खेलते हैं लेकिन आप गेम सेटिंग नहीं कर पाते, जिससे कि आपका गेम यहाँ पे अच्छी तरह से, यानी कि यहाँ पे जो कि हाई क्वालिटी पे आप नहीं खेल पाते। चलिए मैं यहाँ पे आज बताने वाला हूँ कि हाई क्वालिटी में, जैसे यहाँ पे हाई गेम हो गया, BGMI, PUBG हो गया, इस तरह का गेम आप कैसे खेल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, एक भी लैग नहीं, और यहाँ पे बिल्कुल प्रो की तरह, यहाँ पे प्रोफेशनल, यहाँ पे गेमर की तरह आप यहाँ पे इस फोन में आप खेल सकते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप गेम सेटिंग कैसे कर सकते हैं, गेम सेटअप कैसे कर सकते हैं इस एंड्रॉयड फोन में, यानी कि वीवो V27 में और वीवो V27 Pro में। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको सेटिंग्स करके बताता हूँ गेम सेटिंग। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ जितमा और आप देख रहे हैं हर रोज की तरह 1KG सपोर्ट। तो चलिए, प्लीज चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बगल में बेल आइकन घंटे दिख रहे हैं उस ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो डालूँ जिसका नोटिफिकेशन आपके एंड्रॉयड फोन में पहुंचे और सारी अपडेट आपको टाइम पे मिलती रही या फिर न्यू वीडियोज आपको मिलती रही हर रोज की तरह। चलिए यहाँ पे ले जाओ अपने फोन डिस्प्ले, देखिए राइट साइड मेरा फोन डिस्प्ले दिख रहा है और यहाँ पे आपको पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको सेटिंग्स पे कैसे करनी है और यहाँ पे कैसे सेटअप करना है गेम प्ले, जो कि गेम के लिए कैसे यहाँ पे गेम सेटिंग्स आपको करनी। तो सबसे पहले क्या करना हो, आपको सेटिंग्स का ऑप्शन ओपन करनी हो, सेटिंग्स वाला ऑप्शन। तो चलिए मैं सेटिंग्स ओपन करता हूँ और सेटिंग्स ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे इसका जो कि गेम का वो साउंड सेटअप करना रहता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप बड़े बड़े गेम खेलते हो, BGMI हो गया, PUBG हो गया, इस तरह का आप गेम खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, तो आपको उस पर निर्भर करता है, सबसे ज्यादा निर्भर करता है यहाँ पे आपका साउंड पे, जो कि यहाँ पे एनिमी आता है पास में तो वो साउंड आता है, तो साउंड आपको किस तरह से आना चाहिए, यानी कि पास वाला इस तरह का सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे इस वाले फोन में आ जाना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन आपको दिख रहा है, तो साउंड एंड वाइब्रेशन पे आपको क्लिक करनी होगी। साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके आनी होगी। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे देखिए साउंड क्वालिटी और यहाँ पे प्रोफाइल दिख रहा होगा, तो साउंड क्वालिटी और प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सुपर ऑडियो आपको दिख रहा हो, तो सुपर ऑडियो पे आपको क्लिक करना होगा। सुपर ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन हो जाएगा कि स्मार्ट हो गया, उसके बाद मूवीज हो गया, गेम हो गया, म्यूजिक हो गया। तो आप गेम के लिए सेटिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे गेम में आपको सेटिंग करना, गेम पे आपको टिक कर देना, क्योंकि जो गेम से इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जानी होगी। बैक आने के बाद आपको उसके बाद आपको क्या सेटिंग्स करनी है, यहाँ पे आपको लिखना होगा गेम मोड, यहाँ पे लिख सकते हैं गेम मोड, यहाँ पे गेम मोड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा अल्ट्रा गेम मोड करके ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे अल्ट्रा गेम मोड पे आपको क्लिक कर देने होंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इस तरह शो करेगा, या फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आ जाएगा, यहाँ पे आप सर्च नहीं कीजिएगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आने होगी। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे देखिए अल्ट्रा गेम मोड का ऑप्शन मिलेगा, तो अल्ट्रा गेम मोड पे आपको क्लिक करना होगा। अल्ट्रा गेम मोड पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए जो गेमिंग वाला जो मोड रहेगा वो ऑफ रहेगा, तो यहाँ पे देखिए टर्न ऑन कर देनी है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं टर्न ऑन, तो टर्न ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको जो भी गेम रहेगा वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको लेगा, या फिर यहाँ से आप सेलेक्ट करके गेम भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप देखिए मेरा जो कि गेम है वो पहले से देखिए ऑन किया, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑटोमेटिक हो गया BGMI। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट मोड में क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट मोड ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका जो मिनिमाइज होता है, जो कि यहाँ पे आप जो इसका जो कि सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप गेम खेल रहे होंगे तो मैं वो भी बताऊंगा कि कहाँ से इस सेटअप सेटिंग है वो सब कुछ दिखाएगा टोटल। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, तो आपको बैग आ जाने, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटो प्ले भी स्क्रीन ऑफ, इससे आपको इसमें जैसे कि यहाँ पे देखिए स्क्रीन ऑफ भी हो गया तो भी आप ऑटो प्ले कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4D गेम वाइब्रेशन का क्या ऑप्शन दिख रहा हो, तो यहाँ पे 4D गेम वाइब्रेशन क्या होता है वो भी बताऊंगा, अगर सपोर्ट करना था तो इसे इनेबल भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट आपको दिख रहा हो, तो यहाँ पे देखिए साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट पर आपको क्या करना हो, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए अंडर 13 ईयर्स ओल्ड आते हैं, तो यहाँ पे इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करना होगा, 30 से 60 खेल रहे होंगे तो 30 से 60 सेलेक्ट कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे 30 के अंदर ही खेलते हैं जितने भी गेमर्स, या फिर आप गेम प्ले आपकी एज कितनी है उसके निर्भर से आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेम रेट आपको दिख रहा है, तो फ्रेम रेट यहाँ पे BGMI का जो भी फ्रेम रेट है वो ऑटोमेटिक आपको ले लेगा, सपोर्ट गेम आए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे डो नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पे क्या होता है डो नॉट डिस्टर्ब में क्या होता है कि यहाँ पे डो नॉट डिस्टर्ब कीजिए तो ब्लॉक नोटिफिकेशन होता है, जो कि यहाँ पे आप गेम प्ले कर रहे हैं ऊपर से मैसेज आ गया व्हाट्सएप का, फेसबुक का, किसी चीज़ का मैसेज आ गया तो इसे इनेबल रखेगा, जिससे आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ भी मैसेज नोटिफिकेशन शो ना हो। उसके बाद यहाँ पे म्यूट कॉल, तो म्यूट कॉल करना चाहते हैं तो म्यूट कॉल कीजिएगा, बैकग्राउंड में आपको कॉलिंग आएगा लेकिन यहाँ पे आपका कॉल रहेगा वो म्यूट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्रीन मिस टच हो गया, तो यहाँ पे इसे आपको जो भी है 3 फिंगर से कैप्चर है तो इसे आपको इनेबल कर देने, दोनों ऑफ रहेगा तो दोनों को इनेबल कर देने होगी।
इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखा वो गेम फीचर्स इन दिख रहा हुआ, तो यहाँ पे गेम फीचर्स है, तो इससे यहाँ फीचर्स भी आप जैसे कि गेम खेल रहे हो और थ्री फिंगर से की जगह तो यहाँ पे फीचर्स आ जाएगा, जैसे व्हाट्सएप हुए, ट्विटर, और यहाँ पर टेलीग्राम का मैसेज है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर सोने लगा। उसके बाद यहाँ पे जो यूजर एग्रीमेंट जो कब इस तरह से आपको एग्रीमेंट रहेगा वो दिखाएगा। उसके बाद यहाँ से सारा सेटअप करने के बाद उसको आपको क्या करना होगा, यहाँ से मैं आपको गेम में भी सेटिंग करके आपको दिखाता हूँ। गेम आपको ओपन करनी होगी, गेम ओपन करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले आपको शो कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे मेरा BGMI वो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जब गेम मोड ऑन करने रहेगा, ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको इधर लेफ्ट साइड से आपको खींचना है, तो खींचने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं। फर्स्ट में आपको 4D का मिलेगा, जब आप यहाँ पे जब गेम कीजिएगा तो आपको जो बंदे को क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मोबाइल में है ना वो वाइब्रेशन टाइप का यहाँ पे आपको जो कि वाइब्रेशन टाइप का मोबाइल में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पोर्ट मोड होता है, इसे ऑन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इससे ऑन फीचर्स हो जाएगा काफ़ी, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका है, जो कि यहाँ पे बहुत सारा आपको जो कि डिस्प्ले पे है कि गेम को यहाँ पे हीटिंग होने से रोकता है जो कि इससे ऑन रखिएगा। तो उसके बाद लॉक अगर ब्राइटनेस हो गया, ब्लॉक नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि कॉल बैकग्राउंड कॉल हो गया, उसके बाद मोटिवेशन कंट्रोल है, इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं चाहिएगा तो। और यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन है जिसे एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करके हटा भी सकते हैं, व्हाट्सएप भी है, तो इस तरह के यहाँ से आप अपना गेम सेटिंग्स कर सकते हैं अपने जो भी वीवो V27 में, यहाँ से गेम सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको वीडियोस कैसे लगे मुझे कमेंट जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके अपने यूट्यूब चैनल 1KG सपोर्ट पर।